स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई प्यार इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% फुल गारंटी के साथ करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। मुझे पता आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देख ली लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब व्हाट्सएप के अलग अलग तरीके से मतलब एपी के आता है, जैसे जीबी व्हाट्सएप हो चुका है, वैसे अलग अलग तरीके से एपी के आता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट उसकी वजह से आया। लेकिन जो लोग व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो लोग जिसको यूज़ करते थे ऑफिशियल एप्लीकेशन को, वहाँ पे भी ये दिक्कत शो हो रहा है। तो दोस्तों जो लोग ऑफिशियल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उसके फ़ोन में ये दिक्कत शो हो रहा है और वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एकदम सही वीडियो पर आए हो दोस्तों। 100% मेरा गारंटी है दोस्तों, नहीं होता है तो भी दोस्तों मैं आपको दो तरीका देने वाला हूँ। पहला तरीका मैं आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर, ये तरीका से 100% सॉल्व हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको दोस्तों नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ये इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च करो टेक्निकल आइडिया आ जाएगा, यहाँ से मेरे से बात कर लो। पक्का इंस्टाग्राम पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ से वीडियो से ही सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब सीधा वीडियो की ओर चलते हैं। तो अब देखो दोस्तों, हम लोग बहुत सारी ट्राई कर चुके हैं लेकिन यही प्रॉब्लम आ रहा है, लोग इन आगे नहीं कर पा रहे। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो भी व्हाट्सअप है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐप इन्फो में चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, स्टोरेज एंड कैच में आ जाना है और यहाँ से आपको क्लियर स्टोरेज कर देना है, क्लियर कैच कर देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है इसको अनइंस्टॉल मार देना है। इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है एक्स। क्या सर्च करना है, एक्स एप्लीकेशन देख लो, इस तरीके से 37 MB का है, 1 बिलियन इसके डाउनलोड है। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है भाई, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है। यहाँ पर देखो मेरे फ़ोन में ही इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहले आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको गूगल से पहले लॉगिन कर लेना है। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब आपको ऊपर की ओर सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च कर देना है व्हाट्सअप। क्या सर्च करना है, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। अब यहाँ पे जैसे आप लोग व्हाट्सअप सर्च करोगे टॉप वाले ऑप्शन पर सबसे पहले आएगा ये व्हाट्सअप का लोगो वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जस्ट नीचे की ओर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा एरो करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्लस का, आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे मैं साइन इन पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं अब क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे पोस्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है, पोस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके गो इट पे क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों मैंने वीडियो के कॉमेंट के अंदर आपको एक टेक्स्ट दिया है, उसको आपको अच्छे से लिख लेना है क्योंकि इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माई व्हाट्सअप एप्लीकेशन इज नॉट ओपनिंग, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी है। अब आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट आपको सारा का सारा यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ से भी लिख सकते हो या कमेंट में जाओ वहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको व्हाट्सअप नंबर आएगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नंबर डाल देना है। पहले आपको यहाँ पे प्लस कर देना है और 91 कर देना है। उसके बाद आपको अपना जो भी A to Z यहाँ पे नंबर है वो डाल देना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको अपना जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका एक फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेने के लिए आपको यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे क्लिक कर देना है गैलरी वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आपको गैलरी से चूज करके एक फ़ोटो ले लेना है। देखो यहाँ पे मैंने मेरा नंबर डाल दिया, फ़ोटो वगैरह डाल दिया। अब आपको कर देना क्या है, यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा है पोस्ट, बस सिंपल से इतना काम करना है, मेरे पे पोस्ट कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पुराना वाला व्हाट्सअप था तुम्हारे फ़ोन में कोई भी व्हाट्सअप हो गया उसको अनइंस्टॉल मार देना है पहले तो, ओके ना। मैंने जो बताया है वो पोस्ट करने से पहले मतलब आपको सबसे पहले व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल मैंने आपको बताया कर देना है। अब आपको क्या करना है, वापस से प्ले स्टोर पर आ जाना है, व्हाट्सअप को डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, 2 से लेकर 3 दिन तक वेट कर लेना है। कितना, 2 से लेकर 3 दिन तक वेट कर लेना है, 100% आपका व्हाट्सअप अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस का यहाँ पे ऊपर SMS आ जाएगा, मतलब मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये वाला तरीके से मेरा खुद का पर्सनली दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद का व्हाट्सअप सही कर लिया है। तो मैंने सोचा कि अपनी जनता को भी बताया जाए और आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा लेकिन उसी 2 से 3 दिन के टाइम के बीच के अंदर आपको और भी काम करना है कि आपको अपना नंबर किसी भी फ़ोन में लॉगिन नहीं करना है, दूसरे फ़ोन में किसी के भी फ़ोन में नहीं करना है, बस अपने फ़ोन में व्हाट्सअप है इसको इंस्टॉल करके रख दो 2 दिन के लिए, ऑटोमेटिकली आपका व्हाट्सअप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वाली वीडियो के अंदर, और आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लेना। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।